गोरखपुर जिले में शुक्रवार को 148 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित 74 वर्षीय और 58 वर्षीय बुजुर्ग महिला और एक 65 वर्षीय और 58 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,864 हो गई है। इनमें से 297 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,128 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी भी 1439 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, अगर शहर की बात करें तो 78 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सबसे अधिक 28 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 10, शाहपुर थाना में 8, कोतवाली थाना क्षेत्र में 6, गुलरिया थाना क्षेत्र में 3, चिलुआ ताल में 2, रामगढ़ ताल में 9, राजघाट और तिवारीपुर में 6-6 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 63 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 20, खोराबार में 8, खजनी में 1, बांसगांव में 2, कैंपियरगंज में 2, पिपराइज में 7, गोला में 1, कौड़ीराम में 1, बेलघाट में 1, जंगल कौड़िया में 4, सहजनवा में 3, सरदारनगर में 3, पिपरौली में 3, पाली में 1, ब्रह्मपुर में 6 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 7 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।